सो ये व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। जब बात करने वाले डीसी की मच अवेटेड ब्लॉकबस्टर मूवी यानी ब्लैक एडम, जो कि आज के दिन थिएटर में रिलीज हो चुका है एंड हमने देख के खत्म कर लिया है। अगर एक वर्ड में मैं इस मूवी का रिव्यू करूं तो टोटली गूज़बम्प्स। मतलब जिस तरीके से मूवी गया है, एंड मैंने कल ही बताया था जो क्रिटिक्स के रिव्यूज थे तो उन लोगों ने भी यहाँ पे स्पेशली एक बंदे को यहाँ पे कहा कि इस मूवी के अंदर उनका परफॉर्मेंस देखना, गूज़बम्प्स आ जाएगा। एंड भाई साहब, उनकी परफॉर्मेंस देख के तारीफ करते हुए थकोगे नहीं। वो है हमारे ड्वेन जॉनसन, उनके तरफ से तो फैंटास्टिक फैबुलस परफॉर्मेंस निकल के आते हैं भाई। उनकी बात ही क्या कहे, जो एक्शन सीन से उन्होंने जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया, जिस तरीके से उन्होंने एटीट्यूड में रह के वो जो ब्लैक एडम का जो कैरेक्टर उन्होंने जो प्ले किया भाई साहब, अलग लेवल। वो एक्शन सीन्स हो या फिर कॉन्वर्सेशन हो या फिर कोई भी यहां पे गर्माहट वाला सीन हो, भाई साहब उन्होंने तगड़े वाले तरीके से जो एटीट्यूड में रह के जो इस रोल को यहां पे प्ले किया ना भाई, थिएटर में जब मैं बैठ के वो चीज देख रहा था ना, अभी भी मेरे दिमाग में वो चीज घूमे जा रहा है जिस तरीके से सभी चीजें हो रहा था और जिस तरीके से विजुअली एंड जिस तरीके से VFX एंड जिस तरीके से CGI का वर्क यहां पे किया गया है, इतना फैंटास्टिक तरीके से किया गया ना भाई, देख के लग ही नहीं रहा कि किसी भी तरीके से VFX या फिर विजुअल्स का यहां पे यूज ही किया गया है। एंड दूसरी बात, हमेशा लोग कहते हैं कि अर्ली मॉर्निंग के जो शोज होते हैं वो एकदम खाली होते हैं, लोग नहीं जाते, तो ये चीज देखिए, मैं जब देखने के लिए गया था ये पूरा का पूरा थिएटर ऑलमोस्ट यहां पे फुल था। मतलब सुबह के 7 बजे का शो ऑलमोस्ट हाउसफुल, आप लोग यहां पर देख सकते हो लोगों की भीड़ और क्रेज। तो इससे पता चलता है कि भाई अगर मूवी का हाइप होना भाई, लोग देखना चाहते हो तो वो अर्ली मॉर्निंग का शो क्यों ना हो, उससे पहले का भी अगर शो होगा रात के 12 AM से लेके भाई, तब भी लोग जाएंगे, तब भाई तरीके से देखेंगे। इसको कहते हैं मूवी का क्रेज। तो भाई फुल थिएटर के अंदर मूवी देखने का जो मजा होता है वो अलग लेवल होता है। वो अगर ऐसा ब्लॉकबस्टर तबाही मूवी हो तो भाई उसका देखने का मजा तो भाई 2 गुना ज्यादा बढ़ जाता है, जो कि इस मूवी को देख के मैंने जो एंजॉय किया है वो अलग लेवल। एंड जब मैं थिएटर में पहुंचा, वहां पे जो लोग खड़े हुए थे ऑलमोस्ट जो मूवी के बारे में डिस्कस कर रहे थे भाई, उनके बातें सुन के जो मेरे को मजा आ गया ना, मतलब वहां से जो एक्साइटमेंट का लेवल बढ़ गया वो अलग लेवल। वो लोग जिस लेवल पे डिस्कस करे कि ये है वो है, मेरे को उतना ज्यादा समझ में नहीं आया क्योंकि मैं उतना ज्यादा हॉलीवुड मूवीज देखता नहीं हूं। मैं मार्वल डीसी को थोड़ा बहुत फॉलो करता हूं, उनके थोड़े बहुत मूवीज में देखता हूं, जितने भी लोग हाइप होते मैं देखता हूं, लेकिन उतना ज्यादा फॉलो नहीं करता तो मेरे को उतना ज्यादा पता नहीं चल रहा था, लेकिन एक्साइटमेंट हो रहा था उन लोगों की बातों को सुन के। तो जब मैं थिएटर में गया, मूवी जैसे स्टार्ट हुआ, जिस तरीके से 10-15 मिनट गया एंड उसके बाद जो मेरा दिमाग एक सेटल हुआ, मेरे को समझ में आ रहा था क्या चीजें हो रहा था, एंड उसके बाद ड्वेन जॉनसन का एंट्री हुआ भाई, जिस तरीके से मूवी आगे बढ़ा, वहां पे 1/2 घंटा खत्म हुआ, 1 घंटा खत्म हुआ, मेरा जो थोपरा ऐसा वो और ज्यादा खुलने लगा, जो एक्शन सीन्स आने लगे भाई साहब, अलग लेवल का मजा दे रहा था। एंड जिस मोमेंट पे जाके इंटरवल होता है उसके बाद जो स्टार्ट लेता है एंड उसके बाद धीरे धीरे जो मूवी आगे बढ़ने लगता है एंड उसके बाद लास्ट क्लाइमेक्स का वो वाला सीन, उसके अंदर जो तबाही वाला वहां पे एक्शन स्टार्ट होता है, मैंने पिछले वीडियो यानी कल के वीडियो के अंदर ही कहा था, जो क्रिटिक्स ने भी यहां पे रिव्यू किया था कि नॉन स्टॉप एक्शन देखने को मिलेगा, एक्शन के मामले में आप बिल्कुल भी निराश नहीं होने वाले इस पूरे मूवी के अंदर। अगर खाली एक्शन भी देखने के लिए जाओगे ना तो पैसा वसूल है, जिस तरीके से एक्शन होता है भाई नॉन स्टॉप, आपको धड़ाधड़ एक्शन एक के बाद इंटरवल के पहले, इंटरवल के बाद, क्लाइमेक्स के अंदर, तो भाई एक्शन के पूरे दुकान यहां पर खोल के बैठ जाते हैं। जिस तरीके से एक्शन होते हैं, जो भी एफएक्स का यूज करते हैं भाई साहब, इतना तबाही लगता है पूरे थिएटर के अंदर, लोग चिल्ला रहे लिटरली, इधर उधर से आवाज, लोग यहाँ पे सीटियां मार रहे हैं, और जिस तरीके से एक्शन हो रहा है भाई, जो देख के माहौल में मजा आया ना, अभी भी अगर आप लोगों ने देखा होगा मूवी आप समझ रहे हो मैं किस सीन की यहाँ पे बात कर रहा हूं भाई, अलग लेवल माहौल मचा दिया था उस क्लाइमेक्स के अंदर। एंड उसके बाद जैसे मूवी खत्म हुआ सभी लिटरली, मैं तो 1 मिनट के लिए बैठ रहा कि भाई कौन से मूवी देख के मैं बाहर है, लिटरली मजा आ गया मूवी देख के, मजा आ गया भाई सब अलग लेवल। आप लोगों ने मूवी देखा है नहीं देखा मुझे कमेंट बॉक्स में उसे बता सकते हो, अगर देखा होगा तो कौन सा पार्ट आपका फेवरेट था, किसका परफॉर्मेंस आपका सबसे ज्यादा पसंद है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। हाँ, अभी बात करते हैं थोड़े बहुत नेगेटिव पॉइंट्स की, वो ये थे, कुछ यहाँ पे डायलॉग डिलीवरी थे जो मेरे को थोड़े बहुत इधर उधर लगे, कुछ यहाँ पे इंटरवल के पहले कुछ सीन्स थे जो कि मैक्सिमम 1/2 घंटा खत्म होने के बाद जो बीच में
कुछ यहाँ पे सीन्स डाले गए, वो थोड़ा मेरे को ज्यादा लगा, कहानी के साथ मेरे को रिलेट किया नहीं। एंड उसके बाद जैसे ही इंटरवल हो जाता है, उसके बाद भी थोड़े बहुत ऐसे सीन्स थे जो कि अगर ना भी होते तो भी शायद से चल जाता। अननेसेसरी कुछ कॉमेडी सीन्स यहाँ पे थोड़े बहुत यहाँ पे डाले गए जो कि मेरे को थोड़ा बहुत इधर उधर लगा, बाकी वो थोड़े बहुत सीन है, कोई टेंशन नहीं। पूरा मूवी अगर आपने इंजॉय देखा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा वो सीन्स बहुत छोटा लगता है, लेकिन अगर वो भी ना होता तो मूवी एकदम परफेक्टली डन होता, तो ये चीज मैं कह रहा हूं। तो ये चीज बहुत बढ़िया था, नेगेटिविटी कोई नहीं है मूवी के अंदर, पूरा एकदम धमाकेदार एक्शन पैक मसाला मूवी है, कुछ नहीं है। और ड्वेन जॉनसन के परफॉर्मेंस से, उनके स्क्रीन प्रेजेंस से भाई साहब पूरा एकदम आग लगा देता है। बाकी स्टार कास्ट की अगर बात करें तो उनके द्वारा भी परफॉर्मेंस यहां पे ठीक-ठाक निकल के आता है। जो डॉक्टर वेल कैरेक्टर है उनका परफॉर्मेंस मेरे को काफी ज्यादा सही लगा, ड्वेन जॉनसन के बाद उनका परफॉर्मेंस काफी सही था, उनका स्क्रीन प्रेजेंस भी काफी सही था, डायलॉग डिलीवरी वो सभी चीजें कर रहे थे वो काफी सही थे। और फीमेल जो कैरेक्टर थी उनका नाम मेरे को नहीं पता, लेकिन उनका भी परफॉर्मेंस ठीक-ठाक यहां पे लग रहा था। बाकी स्टारकर्स की परफॉर्मेंस भी लेवल अप तरीके से है, लेकिन उनका परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा निकल के आया जो कि इस मूवी के अंदर काफी ज्यादा हाइलाइटिंग और काफी ज्यादा मजेदार चीजें यहां पे होने वाला है। तो आप लोग इसमें क्या कहना मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, आप लोगों ने मूवी देखा नहीं देखा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अगर अभी तक नहीं देखा ये वीडियो देखने के बाद अगर जाओगे तो मैं रिकमेंड करूंगा जरूर से एक बार जाके देखो, डीसी का धमाकेदार तबाही मूवी है। अगर आप लोग डीसी मार्वल के फैन है भाई साहब जरूर से जाइए एक बार देखिए, तबाही लगेगा, मजा आएगा, अलग लेवल मजा देखने को मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।